हमारे भारतीय ऋषियों का यही साम्यवाद है, जिसमें कहीं भी हिंसा प्रतिहिंसा नहीं है और सबको सबकी न्याय प्राप्त अर्थ संपत्ति तथा सुख सुविधा मिल जाती है। जब समाज में सभी लोग पेट भरने जितने धन पर ही अपना अधिकार माने, तब ना तो किसी के पास अधिक संग्रह होगा, ना कोई अभावग्रस्त ही रहेगा। इसी संवाद के प्रचार प्रसार तथा जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। आज इस साम्य धर्म का, जो सनातन धर्म एक स्वरूप लक्षण है, लोप सा हो गया है। इसी से चारों ओर नीच स्वार्थ का विस्तार हो रहा है और इसी से कई प्रकार की सभ्यता की पोशाक में छिपे हुए परस्वभावपरायण या चोरी जैसे पाप को आज के लोगों ने न्याय संगत मान लिया है। इसी से असत्य व्रत केवल ग्रंथों में पढ़ने की चीज रह गई है। यहाँ असत्य का आजकल कैसे नाश हो रहा है, अति संक्षेप में इस पर कुछ विचार किया जाता है। दूसरी, किसी भी वस्तु, जड़ चेतना, प्राणी पदार्थ या स्वतत्व अधिकार आदि का हरण कर लेना स्ते है। स्ते का अर्थ है चोरी, और चोरी न करने का नाम अस्ते है। चोरी के कई प्रकार हैं, अनन्याय राजा या शासन के द्वारा प्रजा के न्याय अधिकारों का हरण किया जाना, प्रजा पर बड़े बड़े अनुचित कर लगाकर अपना स्वार्थ साधन करना, भूमि अधिकारियों का गरीबों से न्याय के विरुद्ध कर वसूल करना, न्यायाधीशों तथा अन्य अधिकारियों का रिश्वत लेकर अनायास करना, कर्तव्य पालन में प्रमाद करना और अवैध कार्य करने वालों की सहायता करना, बड़े बड़े उद्योगों के संचालकों का झूठे कागजात बनवाकर शेयर होल्डरों के न्याय नफे के पैसों को स्वयं हड़प लेना तथा मजदूरों को पेट भर मजदूरी ना देना, मजदूर का वेतन या परिश्रम लेकर भी स्वीकृति कार्य पूरा समय देकर सुचारू रूप से ना करना, व्यापारियों का बढ़िया ले लेना, नाप तोल या संख्या में अधिक ले लेना या कम तथा किसी को रिश्वत देकर अन्यायपूर्वक आर्थिक लाभ उठाना, एक चीज में दूसरी चीज मिलाकर देना, एक चीज को दूसरी बताकर बेचना, सस्ता समझकर चोरी का माल खरीदना, जवान पलट जाना, झूठे समाचार गढ़कर लोगों को धोखे में डालना, अधिक ब्याज लेकर गरीबों की संपत्ति का हरण करना, झूठे दस्तावेज लिखना लिखवाना, किसी दूसरे कार्य के लिए मिली हुई चीजों को उस काम में ना लगाकर उसे दर में बाजार में बेच देना, रास्ते में या रेल के डब्बे में मिली हुई दूसरों की चीज को पुलिस आदि में जमा ना करवाना, स्वयं रख लेना, लोभी व्यापारी तथा रेलवे अधिकारियों द्वारा बिना माल चालान किए ही माल की कम चालान करके ज्यादा माल की और दूसरी चीज चालान करके दूसरी चीज की बल्टी रेलवे रसीद बनवा लेना और रेलवे से रुपए वसूल करके न्यूनाधिक रूप में आपस में बांट लेना, लोभी वकीलों का रुपए के लोभ से अनुचित सलाह देकर मुकदमे लड़वाना तथा अपने वकीलों का झूठे दस्तावेज और झूठे गवाह बनाकर न्याय से बचने के एवं असत्य तथा चोरी के नए नए तरीके बतलाना और न्यायाधीशों को रिश्वत देने दिलाने की व्यवस्था करना, डॉक्टर वेदों का लोभवश रोगी को झूठे रोग बढ़ाकर रोग बतलाना, इंजीनियरों ओवरसियरों अन्य अधिकारियों लेखा जोखा रखने वालों तथा क्लर्कों से मिलकर ठेकेदार या माल सप्लाई करने वाले लोगों का बिना काम किए या बिना माल सप्लाई किए झूठे बिल बनाकर रुपए हड़प लेना, पूरा काम बिना किए पूरा माल बिना दिए खराब काम किए तथा घटिया माल दिए जाने पर भी पूरी कीमत ले लेना, रिश्वत देकर दूसरे की अपेक्षा अधिक कीमत पर टेंडर पास करवाना तथा फिर मनमानी करना। इस प्रकार मनमानी करने पर अन्य का धन लेकर न्यूनाधिक रूप में बांट लेने वाले ठेकेदार आर्डर सप्लायर और इंजीनियर ओवरसियर लेखा जोखा करने वाले बिल आदि पास करने वाले क्लर्क
एवं रुपए चुकाने वाले सभी चोरी के अपराधी होते हैं। इस प्रकार की चोरियां आजकल बहुत बढ़ गई हैं और सुरसा के वदन की तरह बढ़ती ही जा रही हैं। मानो सारा समाज ही इस मधुर परंतु भीषण विष से आक्रांत हो गया है। लोगों के मनों से इस प्रकार के कार्यों से पाप बुद्धि और घृणा निकल गई है और वे इसमें बुद्धिमानी तथा गौरव का अनुभव कर रहे हैं। सभ्य पोशाकों से सजे हुए लोग शानदार ऑफिसों में बैठकर कागज कलम की सहायता से आज जो भिन्न प्रकार की असंख्य चोरी डकैतियां कर रहे हैं वे बड़ी ही भयानक हैं। सबसे बुरी बात तो यह है कि समाज आज इन पाप भरी क्रियाओं को चतुरता या धनार्जन कुशलता मानने लगा है और ऐसी चोरी करके धनी बने हुए लोगों का समाज में बड़ा आदर सम्मान होता है। वे ही धर्मात्मा नेता अग्रणी या पंच माने जाते हैं। इससे स्वाभाविक ही अन्य लोगों के मन में भी इस प्रकार धनी बनकर भोग विलास या मौज शोक करने और आदर सम्मान पाने की कामना लालसा उत्पन्न होती है। ऐसी चोरी डकैतियां प्राय पकड़ी भी नहीं जाती क्योंकि ये प्राय होती हैं उन्हीं लोगों के द्वारा जो समाज में ऊंची रहन सहन वाले सभ्य शिक्षित अधिकारी न्यायकारी धर्मात्मा उद्दार लोक सेवा या देशभक्त कहे जाते हैं। जितने ही अधिक कानून बनते उतना ही इस प्रकार की चोरी डकैतियों की नई नई सफल क्रियाओं का आविष्कार होता जाता है। कानून किताबों में रहता है और कानून बनाने मनवाने वाले तथा कानून मानने वाले लोग आपस में स्वार्थ साधन का समझौता कर लेते हैं। पकड़े प्राय वे ही जाते हैं जो ऐसा समझौता नहीं कर पाते। चोरी से घृणा निकल जाने तथा उसमें गौरव बुद्धि हो जाने के कारण जिन क्षेत्रों में पहले रिश्वत चोरी आदि की संभावना या कल्पना भी नहीं थी वहाँ भी चोरियाँ होने लगी हैं। शिक्षा विभाग डाक विभाग आदि प्राय चोरियों से सर्वथा अछूते समझे जाते थे पर अब तो उनमें भी चोरी होती है। परीक्षा में पास होने के करने में सिफारिश के साथ ही घूस चलती है। अध्यापकों की नियुक्ति और वेतन वितरण में भी रिश्वत तथा चोरी चलती है। डाक विभाग में भी इस तरह तरह से बीमा रजिस्ट्री आदि की चोरियों के साथ ही अन्य प्रकारों से भी चोरी होती है। रेलवे में तो चोरियों की भरमार है। साहित्य की चोरी भी कम नहीं होती। दूसरों के मतों विचारों शब्दों तथा भावों का अपहरण मजे में चलता है। मंदिरों कीर्तनों आध्यात्मिक आत्माओं के नाम पर तथा उनमें भी कितनों में ही चोरी चलती है। कल्याण में जो शिव के नाम से कल्याण शीर्षक लेख छिपता है कई लोग अपने को शिव बताकर उसके लेखक के नाते लोगों को ठग चुके हैं। जो लोग कपड़े खाने की चीजें दवाइयां तथा अनन्य नित्य व्यवहार के पदार्थों का अनावश्यक संग्रह करते तथा जो लोग उच्च तरकी रहन सहन के नाम पर और देखा देखी झूठी शान दिखाने के लिए आवश्यकता से अधिक अनाज कपड़े आदि खरीदते भांति भांति के कपड़े सिलवाते बिना ही प्रयोजन भोज देते लेते तथा विवाह शादी में अनाप शनाप वस्तुओं का अपव्यय करते तथा विलासिता के वश होकर अनावश्यक अनावश्यक तथा आवश्यक बढ़ाते रहते हैं वे भी समाज की बड़ी चोरी करते हैं। अनावश्यक संग्रह तथा व्यवहार के कारण प्रयोजनीय वस्तुओं का अभाव हो जाता है और उस अभाव के कारण लाखों करोड़ों मनुष्य भूखे मरते तथा पूरा अंग ढकने के लिए वस्त्र नहीं पाते एवं इस प्रकार दैनिक जीवन निर्वाह में भी कष्ट भोगते हैं। सब लोग अनावश्यक संग्रह और व्यवहार करना छोड़ दें, आवश्यकताओं को बढ़ाए नहीं क्रमश घटाते हुए यथासाध्य कम से कम कर दें तो लोगों को इतनी तंगी ना भोगनी पड़े। चोरी तो वह भी है जिसमें घर के लोगों से छिपाकर घर की चीजों को लेकर अपनी पेटी में रख लिया जाता है और खाने पीने की चीज हो तो
उसे छिपाकर खा पी लिया जाता। सबसे अधिक भयानक मानस चोरी है, जो शारीरिक चोरी का मूल है। दूसरों की वस्तुओं पर मन चलाते रहना, उन्हें प्राप्त करने के लिए मन ही मन काम न करना तथा उपाय सोचना, अभिप्राय यही है कि किसी भी कारण से या किसी भी नाम से परस्वा परण की जो कुछ भी कामना, चेष्टा या क्रिया होती है, वह सभी चोरी और पाप है, एवं इन सभी प्रकार की चोरियों से बचना चाहिए।